इसका क्या होता है? ओके, कैसा होता है आप लोगों को पता है, रिवर जो नदी रहती है बहती है, ठीक है, और कई बार आप लोगों ने देखा उस बहती हुई नदी का इसके पास काफ़ी एनर्जी है क्योंकि वो बहरी इज फ्लोइंग, ठीक है, एंड ये एनर्जी कभी कभी डिस्ट्रॉय भी कर देती है ह्यूमन लाइव्स, है ना। तो इस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी कि यूटिलाइज करेंगे अपने पर्पस के लिए। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये रिवर है, ओके, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पानी को रोक कर, इस रिवर के पाथ को इसके पाथ में रोक कर इसको स्टोर कर रहे हैं किसी हाई लेवल पर, ओके, इसको हाई लेवल पर हम लोग यहाँ पर लाइक रिजर्वॉयर है, डैम है, ये बेसिक डैम का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, हाई लेवल पर इसको हम लोग स्टोर करेंगे, राइट, ओके। अब जब ये हाई लेवल पर स्टोर्ड है तो मैं कह सकता हूँ पानी के पास इस वक्त हाई पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, यहाँ पर वाटर के पास इट इज हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मैंने इसको एक सर्टेन हाइट पर स्टोर कर दिया। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं कन्वर्ट करूंगा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है, और इसी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, इस वाटर को अगर मैं पाइपलाइन के थ्रू बहने को अलाउ कर दूँ, ठीक है, ये बस एक बेसिक पाइपलाइन बना हुआ, इतना सिंपल नहीं होता, सोफिस्टिकेटेड होता है, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ एक पाइपलाइन है, इसे सपोज करो अब ये पानी बहेगा, ठीक है, तो आप इमेजिन करो अगर मैं पानी को उतने हाइट से ड्रॉप करूँ नीचे पर, नीचे तक पाइपलाइन के थ्रू, तो यहाँ पर आके इसके पास एक सर्टेन स्पीड आएगी, पानी के पास अपना मास है और वो सर्टेन स्पीड पर आए क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके उसको स्पीड आए यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। यानी कि हुआ क्या, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इस काइनेटिक एनर्जी का यूज कैसे करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को हम लोग टर्बाइन में, टर्बाइन के रोटर पे इंपल्स कराएंगे, इंपिंच कराएंगे, ओके, ये बेसिक पे टर्बाइन का डायग्राम बनाने की कोशिश किया, इसके रोटर पर ये पानी इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो सिंस पानी के पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी है तो अगर ये इसको स्ट्राइक करेगा यहाँ पर तो ये टर्बाइन का रोटर घूमेगा, है ना, यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जब ये रोटर घूमेगा